नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर पंकज राजपूत दोबारा हाजिर हूँ आपके सामने। मैं सबसे जो आज के सबसे बड़ी जो बात कहने वाला हूँ और बाल पुट्टी को लेकर कहने वाला हूँ आप लोगों के सामने, आपको कुछ गाइड करने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, अगर आपकी पुट्टी वाइट सीमेंट से बनी हुई है, मोस्टली 80% लोग वाइट सीमेंट से बाल पुट्टी बना रहे हैं, 20% पॉलीमर बेस्ड पुट्टी बना रहे हैं जो इंडिया के अंदर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं। इस टाइम 60 और 40 का जो डिफरेंस हुआ है वो पॉलीमर को लेके हुआ है। और सबसे बड़ी जो बात है बाल पुट्टी की, मैं कवरेज एंड उसके दीवारों पे लगाने का जो प्रोसेस है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और इसको समझने का प्रयास करें कि कल को आपके सामने जो तकलीफ आए वो तकलीफ़ कम से कम उसका आप समाधान निकाल सकें। बाल पुट्टी का यूज कैसे करें, सपोज़ करिए आपकी किसी भी प्रकार की या पॉलीमर बेस्ड पुट्टी है या वाइट सीमेंट बेस्ड पुट्टियाँ हैं, आप उनको किसी भी पेंटर के पास जाते हैं और वो कहता है कि सर कवरेज नहीं है इसमें, आपकी बाल पुट्टी में कवरेज नहीं है या किसी तरह का फॉल्ट बताता है, तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो पेंटर्स की होती हैं। आप उस पर ध्यान दीजिए, अगर आपने पुट्टी को सही तरीके से मॉडिफाई किया हुआ है, अपने रेगुलरली उसमें जो यूज होने वाले आपने केमिकल्स हैं वो सही डाले हुए हैं, तो अगर भी आपकी फिर भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसका आप सोल्यूशन निकाल सकते हैं। आप उसका समाधान मैं आपको बताने जा रहा हूँ। समाधान सर क्या है आपको मैं बता दूँ, बाल पुट्टी सीमेंट बेस हो या पॉलीमर बेस, इसमें जब मिक्सिंग का जो मिक्सिंग होती है बाल पुट्टी की वो प्रॉपर तरीके से जो नहीं करता है, प्रॉपर तरीके से जो मिक्सिंग नहीं करता है बाल पुट्टी, जब पानी डाल के घोला जाता है उसकी प्रॉपर काफ़ी देर तक उसकी एक जेली टाइप बनाना चाहिए जिससे कि वो पुट्टी बड़ा सॉफ्ट हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है। जब पुट्टी का वो लगाने का प्रयास करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन बाल पुट्टी तैयार हो जाएगी। और बाल पुट्टी जब तैयार होगी तो उसकी जो लेस तैयार होगी उसको आप जब लगाएंगे तो बेहतर कवरेज देगा, जो पहले की बाल पुट्टी होती हैं जो कम घोली जाती हैं उससे कई ज़्यादा और बेटर रिजल्ट सामने आएगा आपके। सबसे बड़ा फॉल्ट जो है वो इसको घोलने का है, आप इस पर ध्यान दीजिए और कहीं भी कोई कंप्लेंट आती है उसका समाधान आपके सामने होगा। और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि बाल पुट्टी को मैन्युफैक्चरिंग कितने मिनट तक करनी चाहिए। थैंक यू।